नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाइयां। मुझे खुशी है कि आज हम सब सही मायनों में आजादी का ये दिन मना रहे हैं, क्योंकि देश के साथ साथ हम सब भी तो आजाद हुए हैं, अपनी मजबूरी से, अपनी गरीबी से, और सबसे बड़ी बात अपनी सोच से। तो आइए चलिए हम सब वादा करते हैं कि आत्मनिर्भर होने से हमें जो ये आजादी मिली है इसे हम हमेशा बनाए रखेंगे। नारी शक्ति है, इस बात का एहसास तो हमें हो गया, लेकिन इसी एहसास को और गहरा करने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए आज के इस अवसर पर हमारी बच्चियां आ रही हैं एक अच्छा सा डांस प्रोग्राम लेकर। चलिए देखते हैं। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। शाबाश। लक्ष्य थोड़ा जल्दी करो, प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और हम यहीं पर हैं। मॉम को पता चल गया ना तो हमें छोड़ेंगे नहीं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ पापा, बस निकल ही रहे हैं। लो, फोन आ गया उनका। हाँ अक्षरा, बस हम लोग निकल ही रहे हैं, टाइम से पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए। बाय बाय। चलो नक्श, क्या कर रहे हो? चलो पापा, वो कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस बचे हैं, वो लेकर आता हूँ। अरे हाँ, वो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स भी लेने। चलो चलो जल्दी चलो। अक्षरा, कहाँ रह गए दोनों बाप बेटे? अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे, मैंने फोन किया था तो निकल रहे थे, पहुँचने वाले होंगे। हाँ, कार्यक्रम भी खत्म होने को आया है, तब तो आ जाना चाहिए था दोनों को। हाँ छोटी माँ, मैंने बोला ना आते ही होंगे। मैंने उन्हें खास तौर पे कहा था कि बच्चे भी हैं फंक्शन में, उन्हें जल्दी भूख लगती। चलो नक्श, दरवाजा खोलो। क्या हो गया पापा? कार तो खुली थी ना, फिर बंद कैसे हो गई? नक्श तुम भी ना यार। वो रही कार की चाबी। ये क्या है, इग्निशन में लगी हुई है? पर कैसे? मैं 100% श्योर हूँ पापा कि मैंने चाबी ऊपर रखी थी, पता नहीं अंदर कैसे चले गई। नक्श तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, चाबी अंदर कैसे पहुंच सकती है? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। नक्श वहाँ पे फंक्शन खत्म होने वाला है और हम यहाँ पे अटके हुए हैं, खाना वहाँ पे नहीं पहुंचा ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नक्श उधर जाके देखो, वहां से शायद खुले। हमारे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब स्टेज पर आएंगी हमारी वो बहनें जिन्होंने अपने जीवन में एक नया कदम उठाया है और अपने पैरों पर खड़ी हुई। अक्षरा बेटा, जमाई सा अभी तक आए नहीं, क्या करें? अब क्या करेंगे नक्श? सर तो टैक्सी बुला दूं। अरे लेकिन आधे डब्बे तो गाड़ी के अंदर है, इनका क्या करें? हेलो, ये कहाँ है आप? फंक्शन खत्म होने वाला है, अभी तक आए क्यों नहीं? सुबह से बच्चे भूखे हैं, सबको भूख लगी है, जल्दी आइए। अच्छा जल्दी नहीं आ सकते हैं, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। क्या? अच्छा हमारी कार बंद हो गई है, चाबी अंदर रह गई है और आधे डब्बे अंदर ही है। नैतिक प्लीज बोलिए, आप क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ भी करके बस आते हैं। ओके नहीं, तुम्हारी मॉम बहुत टेंशन में है। आनो पापा, पर हम कार तो कहीं रहे, क्या कर सकते हैं? दीदी बच्चे तो कब से कह रहे हैं अगर खाना आ गया हो तो लगवा दीजिए। बस आता ही होगा, थोड़ा सा रुक जाइए, जैसे आएगा ना वैसे ही लगवा देंगे। मैं सबको बोल देती हूँ। अक्षरा, बड़ों को तो हम कैसे भी रोक पाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या? वो बेचारे छोटे हैं ना, उन्हें कैसे रोक पाएंगे? सुबह से भूखे हैं, एक एक लड्डू से क्या काम होगा? ये सब पहले ही सोच लेना चाहिए था ना। आंटी, आपको अगर ये बात पहले से पता थी तो आप ही ले आती ना। क्या करें, कुछ और मंगवा लें क्या? मंगवाने में कोई हर्ज नहीं है अक्षरा, पर बाकी सारा खाना वेस्ट हो जाएगा ना। हैरबा दीदी, इतना खाना बना थोड़ी पड़ा होगा, आने में भी तो टाइम लगेगा ना।
यहाँ पर अब सबको भूख लग रही है तो इसका क्या? मुन्ना ने बहुत बड़ी गलती की है, अब तो आ जाना चाहिए था। भैया आपके पास कितने सारे समोसे हैं? होंगे 20-22 बहन जी। अच्छा और ये ब्रेड पकौड़े? ये ठंडे हैं, गरम कर दूं? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, अब पैक कर दो जल्दी जल्दी। अच्छा बहू, मुझे लगता है हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, फल या बिस्किट ऐसा कुछ जो जल्दी से मिल जाए। देखना बेटा बच्चे भूख के मारे परेशान हो रहे हैं। एक काम करती हूँ भाभी, मैं फ्रूट्स मंगवा ही लेती हूँ मैं। अरे आओ आओ बच्चों, ये लो, भूख लगी थी ना, ये लो। हेलो पहले से डर था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैं ना ये घर में बना के लेके आई थी, गाड़ी में रखे थे, ले लो ले। हाँ ये सब आपने कब? तो रहने दे बाप, तुझे क्या पता, तू तो आराम से सो रही थी, सुबह जल्दी उठकर मैंने ये सब बनाया था। इसके लिए ना सिर्फ अनुभव की जरूरत होती है, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से कह रही थी इस पद पर किसी अनुभवी को बिठाइए, पर नहीं देख लिया ना नतीजा, मैं तो हुई है ऐसी। मेरा मन ना बड़ा कोमल है, मुझसे ना बच्चों की भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तो इतना सारा इंतजाम किया। देखिए बच्चों के चेहरे कितने मायूस हो गए भूख के मारे बेचारे। दीदी ये समोसे तो कहीं से भी घर के बने हुए नहीं लग रहे, जरूर रुक्मिनी आंटी ने किसी रेड़ी बेड़ी से लिए होंगे। जो भी हो जसमीत, पर आए तो सही ना, बच्चे खा तो रहे हैं ना, हमारे यहाँ इतना खाना बना है पर फिर भी नहीं पहुंचा, बेचारे बच्चे भूखे हैं। अरे बहू तुम भी तो लो, लो। बहू एक बार और फोन करके पूछ मुन्ना से आ रहे हैं या नहीं, नहीं तो हम कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं ना। दक्षिणा संभल के। शील पापा ये पुराने जमाने का ग्लास नहीं है जो फिल्म साइड में बिखर जाता है। हाँ लेकिन फिर भी क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, पुरानी बात याद आ गई थी। जैसे आज सामान इसमें फंसा हुआ है ना, तुम बहुत छोटे थे, तुम गाड़ी में बंद हो गए थे और तब हम लोग कांच तोड़ भी नहीं सकते थे। आनु पापा ये स्टोरी मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, अभी इसका टाइम नहीं है। हाँ बस याद आ गई इसलिए मैंने कह दिया, और क्या। कभी भी कुछ भी याद आ जाता है ना आपको पापा। ज्यादा स्मार्ट मत बनो मेरे साथ। पापा प्लीज लड़िए मत और हेल्प कीजिए। अरे क्या हेल्प करूं, डंडा तुम्हारे हाथ में। आप चिंता ना करो, मैंने कुछ और भी किया है, बस आप देखते जाओ, आज ये टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ओ शूट, क्या हुआ? ये तो शुरू ही नहीं हो रहा। वाह छोटे, क्या दिमाग लगाया तूने, पर ऐसे शर्त जीतना कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। अरे वीर जी मोहब्बत और जंग में सब जाएगा। नैतिक कहाँ है आप, जल्दी कीजिए प्लीज, जल्दी आइए, यहाँ बच्चे भूखे और धूप भी बढ़ती जा रही है। बहू क्या कहा मुन्ना ने? आ रहे हैं यही कहा, और हाँ के फोन काट दिया। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं यही तो कह रही थी बहन जी, जिम्मेदारी लेना बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत ही मुश्किल। मैं तो ऐसे ही हूँ, सीधा सीधा मुँह पे कह देती हूँ, जो सच है सच है, जो गलत है गलत है। फिर मेरे सामने कोई रिश्तेदार हो या फिर कोई पराया। रुक्मणी बहन उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। हाँ हो जाता है।
एक तो वैसे इतनी देर हो गई है, टैक्सी कोई दिखाई नहीं दे रही है। अगर स्टैंड से टैक्सी मंगवाई ना तो बहुत लेट हो जाएंगे। पापा कहिए सब कुछ ढाबे वाले ने तो नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है पापा कि मैंने कीज यहीं रखी थी। अक्ष प्लीज हर चीज को ना उनसे कनेक्ट मत करो, अक्षर ने समझाया था ना। बट स्टिल अ डाउट। नक्ष अभी जो सामने प्रॉब्लम है ना इसका सलूशन ढूंढो, टाइम वेस्ट मत करो तुम। पापा आई हैव एन आइडिया। ये कार ना ढलान पे, तो अगर हम इसको पुश करेंगे आई एम श्योर कार स्टार्ट हो जाएगी, और अगर नहीं भी हुई तो हम कोई ना कोई मैकेनिक ढूंढ लेंगे या फिर कोई टैक्सी हायर कर लेंगे। व्हाट से जीनियस नक्ष। फिर से कहना पापा आपने क्या कहा, मुझे आवाज नहीं आई। शट अप, धक्का दो। नक्ष धक्का तो दो, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा घी भी खा लिया करो, दूध पी लिया करो तुम। पापा प्लीज अभी तो भाषण मत दीजिए। ओए काके मेरा आइडिया भी फेल हो गया। पाजी ये तो बड़ा स्मार्ट मुंडा है, धक्का मार के गाड़ी को नीचे लेके जाएगा, वो वहां पर तो मैकेनिक बैठा ही है। इसे कम मत समझना, बहुत मुश्किल है इसे शर्त जीतना। वीर जी आप फिक्र ना करो, आप बस देखते जाओ मैं इनके 15 अगस्त को कैसा यादगार बनाता हूँ। अक्षरा दीदी अब हम चलते हैं। ऐसे कैसे, खाना खा के जाइए ना, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। बहुत देर हो गई दीदी, और बच्चे भी घर पे भूखे होंगे, अब हम नहीं रुक पाएंगे। लो बताओ ऐसी कोई बात होती है कभी, मुझे पहले ही पता होता कि इतनी देर लगने वाली है तो मैं इसका भी इंतजाम कर देती। इस शहर में मेरी बहुत पहचान है, कहीं से भी कचौरियाँ आ जाती। देखिए बहन जितनी देर में आप घर जाके खाना पकाएंगी ना उतनी देर में तो यहाँ खाना खा के भी हो जाएगा। जहाँ इतना आपने धीरज रखा है वहाँ थोड़ी देर और सही। समधन जी ये सब बातें ना दिमाग को समझ में आती है, पेट को नहीं। कम से कम इन औरतों के बारे में तो सोचना चाहिए था ना, तो ये सोच के आए थे कि आज के दिन एक वक्त का पूरा खाना मिलेगा। बेचारी इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। ऐसा होता है क्या कभी, अध्यक्षा होने का ये मतलब नहीं है ना कि सब जगह बस लेक्चर देती फिरे, लोगों की मदद भी तो करनी चाहिए। इस तरह से थोड़ी ना होती है मदद। आ गए। सॉरी माफ कर दीजिए, हमें आने में देरी हो गई। लल्ला इतनी देर क्यों लग गई बेटा, बाद में बताते हैं भाई। दादी आपका शुक्र कीजिए हम पहुंच गए। जी आप लोगों को भूख लगी होगी ना, बस 2 मिनट दीजिए अभी आपको सर्व करते हैं। आपको मैं अपने हाथों से खाऊंगा अम्मा जी। बच्चों को बांटने जा रही हूँ। अरे नैतिक कब से देख रही हूँ कि आपकी शर्ट पे क्या दाग लग गया। हाँ पीछे लगता है सब्जी का है। चलिए पापा वॉशरूम में, मैं धो देता हूँ। अभी वहाँ खाने के डब्बे खत्म हो गए और है क्या? क्या खत्म हो गए? जी क्या हुआ बेटा? खाना खत्म हो गया माँ। हाँ पर ऐसे कैसे खाना खत्म हो गया, अभी तो इतना सारा था। खाना खत्म हो गया, जरूर कम बनाया होगा। वैसे भी इन मर्दों को कहाँ पता चलता है कितना खाना बनाना चाहिए, तो औरतों का काम है ना, उन्हें नहीं देखना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है रुक्मिणी बहन, हमने उन्हें ठीक ठीक सब बताया था, और वैसे भी ये यही काम करते हैं ना दिन रात, उन्हें अपना भी अंदाजा है।
फिर भी कम पड़ गया। हे भगवान, इसी वजह से तो ये लोग लेट नहीं ना आए, ताकि जब तक ये आए आधे लोग निकल जाए। हाँ क्या हुआ अक्षरा, सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? खाना खत्म। क्या? लेकिन आपने जितने लोग गिनवाए थे उसी के हिसाब से हम लोग खाना लेकर आए थे, ऐसे खाना कम तो पड़ना नहीं चाहिए। अक्षरा तुम एक काम करो, इन लोगों से ना माफी मांग लो, जिनको खाना नहीं मिला ना उन्हें पैसे दे दो, या तो उन्हें कहो कि अपने घर जाके खा ले, क्योंकि इतनी जल्दी कहीं से खाना तो आने वाला नहीं है यहाँ पे। अक्षरा उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रुकिए, चलो नक्ष। लल्ला जब तक तुम लोग वापस आओगे ना बेटा, यहाँ सबकी भूख मर जाएगी। नहीं भाई दादी, सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे। हमने घर की लेडी से सीखा है कि खाना चाहे ज्यादा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने गाड़ी में पहले से ही 20-25 लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना रखा था। चलिए पापा चलो। दीदी ये तो कमाल कर दिया भैया ने। शुक्र है, मैं देखती हूँ बेटा। मैं भी देखती हूँ। क्या एक मिनट गायु, क्या वो गले में लग रहा है? मैं पानी लेकर आता हूँ, एक मिनट। गायु ये लो पानी पियो, आराम से, हल्के से हल्के से। ओके? कितना प्यार करते भैया जी अपने बेटे से। बहुत सुंदर परिवार है, जितने प्यारे बच्चे हैं वैसे उनके माँ बाप हैं। पापा? हाँ अरे आई लव यू पापा। आई लव यू टू। लेकिन अचानक से क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे आपके साथ खाना है। अच्छा चलो आओ। हम्म, गायु तुम कुछ लोगी? अब मैं साथ में चलती हूँ ना मामा जी। आ जाओ आ जाओ जनाब। सैंडविचेस कैसे लगे आंटी? ठीक ही है, अब समधियों के यहाँ से आया है तो उतना मान तो रखना ही पड़ेगा ना। समधियों का मान रखती ना रखती, कम से कम अन्न का ही मान रख लेती हैं आप। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे सब पता चल गया है। आपने चाहे भले ही कितनी होशियारी से काम लिया पर सच सामने आ ही गया। कौन सा सच? मिष्टी वहां अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रही थी, जहां आपने खाना फेंका। कुछ कहना है आपको अपनी सफाई में? मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे आंटी, आप बड़ी हैं, रिश्तेदार हैं, आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो फिर मुझसे कहिए ना जो कहना है। मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपके मना करने के बावजूद भी मैं अध्यक्ष बनी, तो आप मुझ में बुराइयां निकालिए, ऐसे नैतिक और डुग्गू के बारे में ये आप बातें मत फैलाइए प्लीज, उनके बारे में गलत मत सोचिए। आपने अन्न का अपमान तो किया ही किया, साथ में कृष्णा का भी नाम खराब करने की कोशिश की, और ये मैं कतई नहीं होने दूंगी। कृष्णा नैतिक का सपना है और दुग्गू ने बहुत मेहनत की है उसको खड़ा करने में, इसलिए मेरे पति या मेरे बेटे पर या उनकी ईमानदारी पर अगर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।